हम लोग रूट के बारे में पढ़ लिए थे, पूरा कंप्लीट वीडियो बन गया है, और स्टेम के बारे में फर्स्ट पार्ट बन गया है, और ये मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, रूट का और फिर स्टेम का जो फर्स्ट पार्ट है वो सारे का लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप कोई भी वीडियो आराम से देख सकते हैं और समझ में आराम से आ जाएगा। पार्ट टू में हम लोग क्या सीखेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होता है भूमिगत तना, यानी कि जो जमीन के अंदर होते हैं वह तना होता है। ठीक है, जमीन के अंदर भी होते हैं कुछ ऐसे चीज़ें जो एक तना होता है, स्टेम होते हैं, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसको अंडरग्राउंड स्टेम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। शलकंद को बल्ब बोलेंगे, परकंद को राइजोम बोलेंगे, और कंद को हम ट्यूबर बोलेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, शलकंद किसको कहेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जल का मात्रा होता हो, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी का मात्रा होता है, जो हम लोग खाते हैं। देखिए, लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जल का मात्रा होता है लहसुन में, प्याज में, तो ये क्या है, यह इसको हम कहेंगे शलकंद कहेंगे। परकंद के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइजोम, जिसमें सबसे ज़्यादा गांठ होता है, गांठ, उसी को हम क्या कहेंगे, राइजोम कहेंगे, यानी कि परकंद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अदरक और हल्दी, अदरक देख लीजिए, जैसे कि ये अदरक है, इस तरीके से अदरक है ये, तो गांठ का मतलब होता है नोड इंटरनोड, इसी को तो बोलते हैं। ठीक है डियर, और ये जमीन के अंदर होते हैं और ये स्टेम निकलते हैं इस तरीके से, समझ में आया। ठीक है, तो इसी को हम नोड इंटरनोड यानी कि गांठ कहेंगे, और गांठ सबसे ज्यादा जो दिखाई देते हैं आपको, वह अदरक में दिखाई देगा और हल्दी में दिखाई देगा, सबसे ज्यादा गांठ होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट समझते हैं। अब हम लोग कंद के बारे में, जिसको ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, खाद का मतलब जो सबसे ज्यादा खाने वाला पार्ट होता है उसी को हम ट्यूबर बोलेंगे यानी कि कंद बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए आलू, आलू सबसे ज्यादा खाया जाता है। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा छिलका छील देते हैं, नहीं तो सारा खा जाते हैं, वैसे तो बहुत लोग सारा ही खा जाते हैं। ठीक है, टोटल ओल हो गया। स्वीट पोटैटो, उसको भी तो हम लोग ज्यादा पार्ट उसमें क्या होता है, खाने वाला होता है, तो उसको हम कंद बोलेंगे यानी कि ट्यूबर कहेंगे, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग एक लाइन में समझ लेते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जल का मात्रा होता है उसको बल्ब कहते हैं यानी कि शलकंद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए लहसुन और प्याज। क्लियर, जिसमें सबसे ज्यादा गांठ होते हैं, गांठ का मतलब नोड इंटरनोड, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, तो जिसमें सबसे ज्यादा गांठ होते हैं उसी को हम राइजोम कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अदरक हो गए और हल्दी हो गए। क्लियर, नेक्स्ट समझते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खाने वाला पार्ट होता है उसी को हम ट्यूबर कहेंगे यानी कि कंद कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आलू हो गए और ओल हो गए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया डियर, तो ये था आपका पार्ट टू।